नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अब राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत ब्रिज शहर में भी करने जा रही है, जिसके लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाएंगी। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में ही महिलाओं को एकत्रित कर समूहों का गठन किया जा रहा था, लेकिन अब नगरीय क्षेत्र में भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरों में स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, ताकि शहरी गरीब परिवार की गरीबी एवं उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में भी जान लीजिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशील एवं संस्थागत विकास एवं स्वरोजगार कार्यक्रम को लेकर वित्तीय वर्ष 2021-2022 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत डूंडा को मथुरा नगर क्षेत्र में 145 समूहों का गठन करने के लिए कहा गया है। एक समूह में 10 से 12 महिलाओं को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। अब समझिए कि सरकार किस तरह से मदद करेगी। अगर कोई समूह अपनी मर्जी से काम शुरू करना चाहता है तो ठीक है, अन्यथा उन्हें पोशाक, कंठी माला आदि की ट्रेनिंग कराई जाएगी। उन्हें शुरुआती खर्चे के लिए रिवीलिंग फंड के रूप में 15,000 रुपए मुहैया कराए जाएंगे। अगर कोई समूह 2,00,000 रुपए का लोन लेना चाहता होगा तो उसे डूंडा से 2-2,00,000 रुपए की लोन भी मुहैया कराई जाएंगी। हालांकि यह लोन की धनराशि समूह को वापस करनी होगी। मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की निर्देशिका यशु रस्तोगी ने जारी किए निर्देश में साफ कहा है कि मार्च 2022 तक के लक्ष्य को 100% पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का यह कदम है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को समूह के लाभ बताकर उन्हें जागरूक किया जाए, जिससे वह अपने घर पर रहकर परिवार का खर्चा उठा सके। फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।